दोस्तों 2024 में अपने YouTube चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए कैसे अप्लाई करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक चैनल है जिसका यहाँ पर YouTube मोनेटाइजेशन का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ कि किस तरह से जो है आप अपने YouTube चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आप जो है YT स्टूडियो से ही अप्लाई कर सकते हो, तो किस तरह से करना है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है पहले अपने YT स्टूडियो को ओपन कर लेना है, फिर यहाँ पर आपको जो है एक अर्न वाला टैब मिलेगा, तो सिंपल से आपको उस वहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आपको आपका स्क्रॉल कर लेना, स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन इस तरह से मिल जाएगा, कुछ आपको इस तरह से दिख रहा रहेगा। तो आपको जो है इस अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे कुछ इस तरह से आपको जो है तीन स्टेप यहाँ पर जो है बताएगा। तो यहाँ पर जो है पहला स्टेप आपको जो है रिव्यू बेस्ड टर्म है, तो यहाँ पर आपको जो है स्टार्ट वाला ऑप्शन पे आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर आ जाएगी। तो सिंपल से आपको जो है यहाँ पर नीचे साइड स्क्रॉल कर लेना है, आपको पढ़ना रहेगा तो पढ़ सकते हो। आपको नीचे यहाँ पर स्क्रॉल कर लीजिएगा और नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा आई एक्सेप्ट दी यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स, इस पर क्लिक करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो आपका जो ये पहला वाला यहाँ पर स्टेप था वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और इस पर जो है यहाँ पर ये ग्रीन कलर का जो है टिक लग जाएगा। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है आपका यहाँ पर जो है सेकंड स्टेप है, यहाँ पर आपको जो है अपने गूगल अकाउंट को यहाँ पर जो है गूगल एडसेंस अकाउंट को यहाँ पर लिंक करना होगा। तो आपको क्या करना है कि सिंपल से जो है यहाँ पर एक स्टार्ट का ऑप्शन रहेगा, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप ये जो है स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो है तीन ऑप्शन यहाँ पर बताएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो स्टार्ट वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करोगे, यस आई हैव एन एडसेंस अकाउंट, नो आई नीड टू क्रिएट वन एंड आई डोंट नो, मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पर नो पे क्लिक कर लूँगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप नो पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको नो पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा ये मुझे यहाँ पर दूसरे पेज पर लेकर चला जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि लोडिंग हो रहा है, अब ये मुझे दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे जो है काफ़ी सारे जीमेल्स आ गए हैं मेरे। अब मुझे जो बोल रहा है कि जीमेल कोई भी एक जीमेल चूज़ करो, तो आप क्या करना है कि अपने जो है एडसेंस अकाउंट के लिए एक नया जीमेल यहाँ पर बना लेना। यहाँ पर मैं जो है इस एडसेंस अकाउंट पे यहाँ पर जो है इस जीमेल पे क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने जीमेल पे क्लिक कर लिया, यहाँ पर आप थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है। अब लोडिंग होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा जीमेल यहाँ पर शो हो रहा है। अब आपको क्या करना है कि नीचे साइड यहाँ पर आपको यहाँ पर स्क्रॉल कर लेना है। जैसे आप नीचे साइड यहाँ पर स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस लिखा रहेगा, तो यहाँ पर आपको जो है यस पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप ऊपर जो है यस पे क्लिक कर लोगे, यहाँ पर नीचे आपको और एक ऑप्शन मिलेगा, सेलेक्ट योर कंट्री और टेरिटरी। तो सिंपल से आपको इस पर क्लिक करना है और आप जिस कंट्री में रहते होगे उस कंट्री को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ से जो है इंडिया यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया। अब नीचे यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी, तो यहाँ पर आप नीचे साइड स्क्रॉल करिएगा और यहाँ पर जो है यस पे क्लिक करके आप जो है अपने यहाँ पर नीचे जो है क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये आपको जो है एक दूसरे पेज पे लेकर चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर लिया, अभी मुझे दूसरे पेज पे लेकर चला गया। अब यहाँ पर देख सकते हो कि आपको यहाँ पर जो है लोडिंग हो रहा है और यहाँ पर लोडिंग होने के बाद एक फॉर्म आपको यहाँ पर भरने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फॉर्म यहाँ पर आ चुका है। तो सबसे पहले आपको जो है ये फॉर्म को यहाँ पर भर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि अकाउंट टाइप लिखा है, तो सिंपल से जो है यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर इंडिविजुअल पे सिलेक्ट कर लेना है। इंडिविजुअल पे आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे नेम का ऑप्शन बोलेगा, तो यहाँ पर आपको जो है अपना नेम यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर आपने अपना नेम डाल दिया, उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो है आपको फिर अपना यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर आपकी जानकारी दी रहेगी यहाँ पर सबको आपको फिल कर देना है। जैसे आपका एड्रेस यहाँ पर फिल कर देना है, टाउन और सिटी कहाँ पर आप रहते हो वो फिल कर देना है, यहाँ पर आपका पोस्ट कोड फिल कर देना है और यहाँ पर स्टेट फिल कर देना है और फ़ोन नंबर फिल कर देना है। यहाँ पर मैंने सारा कुछ फिल कर दिया है, यहाँ पर मैंने ब्लर कर दिया है सिक्योरिटी के लिए। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर सबमिट का नीचे ऑप्शन रहेगा, तो जैसे ही आप ये पूरा यहाँ पर फिल कर लोगे तो फिल करने के बाद सबमिट करने से पहले आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद जो है नीचे यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन रहेगा, तो सिंपल से आपको क्या करना है सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करोगे तो ये आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से रीडायरेक्ट करेगा। कहाँ पर रीडायरेक्ट करेगा, आपके जो है YT स्टूडियो ऐप में, तो कुछ इस तरह से रीडायरेक्ट करेगा और आपके जो है सेकंड स्टेप के नीचे यहाँ पर इन प्रोग्रेस लिख के आ जाएगा। तो इन प्रोग्रेस लिख के आ जाएगा, तो आपके 6 से 7 घंटे में जो है ये यहाँ पर भी टिक हो जाएगा, वरना आपके 12 या 24 घंटे भी लग सकते हैं, बट यहाँ पर जो है मिनिमम 6 से 7 घंटे में ये हो ही जाता है। तो यहाँ पर आप देखो कुछ इस तरह से जो है आपका यहाँ पर टिक हो जाएगा। तो जैसे ही आपका यहाँ पर टिक हो गया, यहाँ पर
आपको जो है ये अपने आप जो है थर्ड स्टेप में चला जाएगा और इन प्रोग्रेस यहाँ पर दिखाने लगेगा। तो यहाँ पर जैसे ही थर्ड यहाँ पर स्टेप में चला जाता है तो यूट्यूब जो है आपके चैनल को यहाँ पर चेक करते हैं, यूट्यूब की टीम आपके चैनल को यहाँ पर चेक करेगी। अगर आपके चैनल में कोई भी दिक्कत नहीं होगी तो आपका चैनल यहाँ पर जो है सक्सेसफुली मोनेटाइज करा दिया जाएगा और आप जो है अपने यूट्यूब चैनल से अर्निंग यहाँ पर करने लगोगे। उसके बाद क्या करना, आप जो अर्न वाले सेक्शन पर क्लिक करना और सारा कुछ यहाँ पर जो है आप जो है अपने शॉपिंग टैब को और जो है सुपर थैंक्स को और मेंबरशिप को और शॉर्ट फीड ऐड वॉच पेज ऐड सबको यहाँ पर इनेबल कर सकते हो। तो इसी तरह से जो है आप अपने जो है YouTube से यहाँ पर अर्निंग कर सकते हो क्राइटेरिया को कंप्लीट करके। और मैंने बता दिया आपको कि किस तरह से आपको जो है यहाँ पर मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है और इसी तरह से आप जो है अपने YouTube चैनल के लिए मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।